नमस्कार, क्विक सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अहमदाबाद के बारे में हर एक जानकारी, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन अबाउट अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। भारत वर्ष में ये नगर सातवें स्थान पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह पर पड़ा था। सन 1411 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन शासक सुल्तान अहमद शाह ने प्राचीन हिंदू शहर असावल के निकट अहमदाबाद की स्थापना की थी। इस कारण से कभी कभी से अहमद शाह का शहर भी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वर्तमान समय में अहमदाबाद को भारत के गुजरात प्रांत के एक प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। इसी शहर में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की और स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े अनेक आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इस जगह को फौजी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अहमदाबाद इस प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर है। अहमदाबाद को ब्रिटिश शासन के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया था, लेकिन गुजरात क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना रहा। समय की अवधि में अहमदाबाद ने खुद को कपड़ा उद्योग के रूप में स्थापित किया और ईस्ट के मैनचेस्टर का उपनाम अर्जित किया। उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उद्योगों का बढ़ता केंद्र अहमदाबाद पश्चिमी भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्रों में से एक बना हुआ है। अहमदाबाद बुनाई के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ये शहर व्यापार और वाणिज्य केंद्र के रूप में बहुत अधिक विकसित हो रहा है। 1960 में गुजरात राज्य के निर्माण के साथ अहमदाबाद को राज्य की राजनीतिक और वाणिज्यिक राजधानी के रूप में प्रमुखता मिली। 2000 से शहर गगनचुंबी इमारतों, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स के निर्माण के माध्यम से बदल दिया गया है। अहमदाबाद का व्यावसायिक महत्व शहर में भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कई महत्वपूर्ण उद्योगों के घर होने के अलावा अहमदाबाद में कई राजसी स्मारक हैं, जो हमें शहर के महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत की याद दिलाते हैं। अहमदाबाद के लोग बहुत ही जीवंत हैं और अपने जीवन के हर पल का मजा लेते हैं। वे जीवन को एक बहुत ही सरल तरीके से जीने में विश्वास करते हैं। उत्सव के लिए तो पूरा शहर उत्साहित हो जाता है और उत्सव के अवसरों को उत्साह के साथ मनाता है। यहाँ के लोग भोजन के बहुत शौक रखते हैं। ये बताता है कि क्यों अहमदाबाद में रेस्तरां और कैफे हमेशा लोगों द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं। अहमदाबाद गुजरात राज्य में है और गुजराती अहमदाबाद में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। अहमदाबाद की आम भाषा गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी है। अनौपचारिक समूहों में अहमदाबाद के लोग आमतौर पर अपनी मूल भाषा में बातचीत करते हैं, यानी कि गुजराती। अहमदाबाद मेलों और उत्सवों का देश है। समारोह अहमदाबाद में एक वास्तविक भव्य पैमाने पर होता है। प्रत्येक अवसर के लिए एक उत्सव है। ये मौसम के परिवर्तन या फसल कटाई या धार्मिक महत्व के अवसर के लिए एक अच्छा शहर है। अहमदाबाद मेले और त्योहार सौर और चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं, जो पुराने समय में ज्योतिष के लिए उपयोग में लाए गए थे। अहमदाबाद के विभिन्न मेलों और त्योहारों को स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को झलकने में सक्षम बनाता है। कांकरिया झील, सिद्दी सैयद के जाली, जामा मस्जिद, सरगे के रोजाज शहर में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों या जगह है। गांधी आश्रम, वैष्णव देवी मंदिर, इस्कॉन मंदिर पर्यटकों के आकर्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। लोथल एडलेज के चरण वैसे और अक्षरधाम मंदिर भी पास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। एक प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर बोताड जिले के बरवाला तालुका के सारंगपुर में स्थित है, जो अहमदाबाद और भावनगर के कुछ हिस्सों में एक नया बनाया जिला है। नल सरोवर झील भी एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है, जहां सर्दियों से मौसम में हर साल मध्य एशिया के प्रवासी पक्षियों का दौरा पड़ता है, जो अहमदाबाद जिले में स्थित है। अहमद शाह के शहर अहमदाबाद में बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारकों हैं। अहमदाबाद स्मारकों के वास्तुशिल्प डिजाइन हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण दर्शाता है। अहमदाबाद गुजरात के अधिकांश ऐतिहासिक स्मारकों की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में वापस पाई जा सकती है। जब अहमदाबाद में स्मारकों की बात आती है, भद्रा किला एक ऐसा नाम है
जो वास्तव में एक विशेष उल्लेख के योग्य है। अहमदाबाद में भद्रा का किला एक शाही किला है जो अहमदाबाद के दर्शनीय स्थलों की यात्रा में शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 1501 में महमूद बेगड़ के शासनकाल के दौरान निर्मित दादा हरी वाव एक सुंदर डिजाइन किया गया है। ये ठीक दादा हरी की कब्र के पीछे है। ये अहमदाबाद शहर के सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। अहमदाबाद अपने लहराते मीनारों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जिन्हें आमतौर पर झूला मीनार के नाम से जाना जाता है। मस्जिद का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यदि आप ऊपरी चाप पर थोड़ी ताकत लगाते हैं तो मीनार बोलने लग जाता है। बच्चों के लिए अहमदाबाद में झूलता मीनार। भारत एक मजेदार जगह है। अहमदाबाद में जुमा मस्जिद भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे खूबसूरत एवं कलात्मक मस्जिदों में से एक है। ये संरचना पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका आंगन संगमरमर से बना हुआ है। ये एक कॉलम पैसेज से घिरा हुआ है और इन कॉलमों पर अरेबिक कैलीग्राफी बनी हुई है। अहमदाबाद में हट्टी सिंह के जैन मंदिरों का निर्माण 1848 ईसा पूर्व हुआ था। ये मंदिर 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ को समर्पित है और इसे अहमदाबाद के व्यवसायी शेठ हट्टी सिंह के द्वारा दान 10 लाख रुपयों की लागत से बनाया गया है। अहमदाबाद में शाही बाग पैलेस, जो खूबसूरत बाग को शाहजहां ने बनवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी शादी के बाद अपने बेगम के साथ इस जगह कुछ दिनों तक रहा था। अहमदाबाद के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरखेख रोजा एक मुसलमान धार्मिक नेता थे। अहमद कट्टू गंगबश नामक सुल्तान अहमद शाह के आध्यात्मिक नेता का घर था। इसमें स्मारकों का एक समूह शामिल है जिसका उत्पत्ति अहमदाबाद में मुगल शासन के समय में किया जा सकता है। अहमदाबाद में किशोर दरवाजा एक वास्तुकला का चमत्कार है जिसकी खूबसूरती निश्चित रूप है। खूबसूरत धनुषाकार गेट से युक्त 3 दरवाजा अहमदाबाद शहर का सबसे पुराना प्रवेश द्वार है। ये सुल्तान अहमद शाह द्वारा वर्ष 141 एडी में स्थापित किया गया था जब अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। अहमदाबाद के नजदीक देखने के लिए दिलचस्प जगह के बारे में हम आपको बताएंगे। अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोथल शहर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध शहरों में से एक है। लोथल का उद्गम और इतिहास 2400 ईसा पूर्व वापस किया जा सकता है। गुजरात में लोथल पुरातत्व के प्राथमिक स्थलों में से एक है। पुष्पावादी नदी के किनारे अहमदाबाद से 102 किलोमीटर दूर स्थित मोडेरा सूर्य मंदिर 1026 ईस्वी में बनाया गया था। ये 11वीं सदी के बेहतरीन वास्तुकला में से एक है। अहमदाबाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नल सरोवर पक्षी अभयारण्य मूल रूप से एक प्राकृतिक झील है जो एक उत्कृष्ट भ्रमण बनाती है। 116 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये खूबसूरत पक्षियों के लिए जाना जाता है जो साइबेरिया से पलायन करते हैं। अहमदाबाद शहर से 93 किलोमीटर दूर स्थित कच्छ वन्य जीव अभयारण्य पूरे देश के सबसे बड़े अभयारण्यों में से एक है। 4950 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है। ये आकर्षक चेस्टनट ब्राउन एशियाटिक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जंगली घोड़ों की एक प्रजाति है। ये भेड़िया, नीले बुल, बैंगनी, जंगल बिल्ली, भारतीय लोमड़ियों, जंगली और खरगोश का प्राकृतिक आवास भी है। अहमदाबाद से मेहसाणा राजमार्ग से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शंकु वाटर पार्क देश का पहला जल पार्क है। जब ये मनोरंजन पार्क सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया था, ये बच्चों के लिए एक सुखद आश्चर्य की तरह था। ये पार्क बच्चों के लिए उत्कृष्ट सवारी प्रदान करता है जो आलसी नदी से लेकर रोमांचक सुरंग तक चलता है। और अब हम जानेंगे अहमदाबाद के अमेजिंग फैक्ट्स। पहला, एशिया महाद्वीप के सबसे आला दर्जे के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से कुछ बेस्ट बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स इंडिया के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थित है। दूसरा, अहमदाबाद में कई कॉलेज हैं, जिनमें 29 इंजीनियरिंग कॉलेज और IIM, NID, CEPT, MICA, IIT GN जैसे कई विश्व स्तरीय कॉलेज शामिल हैं। तीसरा, अहमदाबाद में कई अन्य शहरों की तुलना में शानदार विरासत है, इसलिए अहमदाबाद को दुनिया का हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। चौथा, अहमदाबाद देश में सबसे सफल तेजी से पारगमन में से एक है।
जिसे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS के नाम से जाना जाता है। पांचवा, एशिया का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद शहर में है, जिसमें विशेष नैदानिक, चिकित्सीय और पुनर्वास रोगी देखभाल की सुविधा है। छठा, इस शहर की स्थापना 1411 में तत्कालीन गुजरात के शासक अहमद शाह ने करवाई थी। सातवां, पोलैंड के क्राको शहर में आयोजित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 41वीं बैठक में अहमदाबाद को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया। आठवां, अहमदाबाद महानगर पालिका ने 31 मार्च 2011 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में अहमदाबाद को सांस्कृतिक शहरों की श्रेणी में विश्व धरोहर शहर का दर्जा देने के लिए आवेदन किया था। नवा, यूनेस्को के इस फैसले को 20 देशों का समर्थन मिला। अहमदाबाद को इन देशों का समर्थन इसलिए मिला क्योंकि ये शहर मुस्लिम, हिंदू और जैन समुदाय के धर्म निरपेक्ष अस्तित्व को दर्शाता है। दसवां, अहमदाबाद में 10 ऐतिहासिक दरवाजे हैं और ये शहर वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ग्यारहवां, विश्व विरासत का दर्जा हासिल करने की दिशा में अहमदाबाद की यात्रा 1984 में शुरू हुई, जब फोर्ड फाउंडेशन द्वारा विरासत संरचनाओं के संरक्षण के लिए पहला अध्ययन शुरू किया गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस बेल बटन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।